गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक और दो साल पहले दलित आंदोलन में चर्चा में आए जिग्नेश मेवानी सोमवार को जोधपुर पहुंचे। पहले शहर में उनका स्वागत प्रस्तावित था, लेकिन प्रशासन की ओर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण शहर से बाहर बनाड रोड पर उनका स्वागत और कार्यक्रम किया गया। यहां दलित संगठन से जुड़े लोगों को उन्होंने आजीवन भाजपा को वोट नहीं देने का संकल्प दिलाया। उन्होंने यहां संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा दलित विरोधी पार्टी है और वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान में विश्वास नहीं रखती। SC/ST एक्ट में संशोधन को लेकर कमेटी बनाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दलितों के विरोध को दबाने में भाजपा ने भूमिका निभाई। इससे पहले मेवानी बालोतरा से सड़क मार्ग से जोधपुर पहुंचे। यहां बनाड रोड पर उनका कई लोगों ने स्वागत किया। गौरतलब है कि मेवानी लंबे समय से गुजरात के सौराष्ट्र में दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ उनके कई विवादित बयान भी वायरल हुए हैं। तो राजस्थान से भी साथी हमारा समर्थन करने के लिए आए थे और नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से भी आए थे। साथी आवाज दो, पूरे देश के अंदर घूमकर हम लोगों को एक नए किस्म का दलित आंदोलन खड़ा करना है। एक ऐसा दलित आंदोलन जिसके नेता सारे गरीब तबकों के लिए जन आंदोलन को महत्व दे, MP या MLA बनने को नहीं। गुजरात की सरकार को या केंद्र की सरकार को विधायक जिग्नेश मेवाणी से कोई दिक्कत नहीं, उनको आंदोलनकारी जिग्नेश मेवाणी से दिक्कत है।